गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एकदम नया टॉपिक लेके आया हूं। दो वर्ड है दोस्तों जिसको समझते हैं कि इन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग स्पीकिंग में और ग्रामर में कैसे करेंगे। तो ये शब्द है इट्स। एक में एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है एस के पहले, जिसका मतलब होता है इट इज, जो इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स। और दूसरा वर्ड है इट्स, जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मतलब होता है अपना, अपनी या इसका। तो ये दोनों शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करना सीखते हैं कि इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। ये अधिकतर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इट्स का इस्तेमाल कब करना है एपोस्ट्रोफी वाला, और इट्स पजेसिव एडजेक्टिव बिना एपोस्ट्रोफी वाले का इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, चालू करते हैं, समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे हमें कहना है इट्स रेनिंग, तो इट्स रेनिंग का मतलब हो रहा है इट इज रेनिंग, तो यहां पर एपोस्ट्रोफी वाला इट्स आएगा, क्योंकि जो कि इट इज का काम कर रहा है। दूसरा वर्ड देखते हैं दोस्तों, आई सॉ अ स्पाइडर इट्स लेग वॉज ब्रोकन। मैंने एक स्पाइडर देखा, उसका लेग टूटा हुआ था, तो यहां पर उसका के रूप में आ रहा है, तो यहां पर इट्स आना चाहिए जो कि बिना एपोस्ट्रोफी वाला आएगा। इट्स, वैसे दोनों का जो प्रोनंसिएशन वो सेम है, तो आप लोग समझ गए हैं कि जब हमें इट इज कहना हो तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इट्स कहेंगे एपोस्ट्रोफी वाला, और जब हमें अपना अपनी कहना है तब हमको इट्स कहना बिना एपोस्ट्रोफी वाला। जैसे बच्चा अपना अंगूठा चूस रहा है तो हम लोग बोलेंगे द चाइल्ड इज सकिंग इट्स थंब। बच्चे को न्यूट्रल जेंडर माना जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने एक बच्चा देखा, उसके पापा डॉक्टर थे, आई सॉ अ चाइल्ड इट्स फादर वॉज अ डॉक्टर। मैंने एक बच्चे को पढ़ाया, उसका नाम शुभम था, आई टॉट अ चाइल्ड इट्स नेम वॉज शुभम। तो यहाँ पर हम लोग जो उसका कह रहे हैं या इसका कह रहे हैं वो अपन, हम लोग किसी बच्चे को कह रहे हैं, और बच्चा न्यूट्रल जेंडर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एपोस्ट्रोफी वाला नहीं होगा। इट्स जो होगा वो पास पास वाला होगा। मेरे पास एक टेबल है, उसका पैर टूटा हुआ है, तो आई हैव अ टेबल इट्स लेग इज ब्रोकन। यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी वाला नहीं आएगा, बिना एपोस्ट्रोफी वाला आएगा, जो कि पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग इट्स वाला कुछ सेंटेंस देखते हैं जिसमें एपोस्ट्रोफी आता है, जिसका मतलब इट इज होता है। जैसे हम लोग को कहना है इट्स 10 o'clock, आई शुड लीव नाउ। अभी 10 बज रहे हैं, अब मुझे जाना चाहिए। इट्स योर फॉल्ट, यह आपकी गलती है, जो इट इज़ के रूप में आ रहा है। इट्स राइट स्टेटमेंट, यह सही कथन है, इट इज़ के सेंस में आ रहा है। इट्स रॉन्ग सेंटेंस, यह गलत सेंटेंस है, इट इज़ के रूप में आ रहा है। तो दोस्तों, आपको समझना है कि जब भी इट इज़ को हम लोग कहेंगे तब वो इट्स होगा एपोस्ट्रोफी वाला, और जब हम लोग इट इज़ नहीं कहेंगे, अपना अपनी या उसका उसकी के सेंस में कहेंगे, तब हमको इट्स कहना बिना एपोस्ट्रोफी वाला, जो कि पजेसिव एडजेक्टिव होता है। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्पीकिंग करते समय, स्पीकिंग में तो दोस्तों प्रोनंसिएशन वही रहेगा, लेकिन लिखते समय ये हमसे अधिकतर गलती हो जाती है, और आप लोग कहीं पर भी एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, कहीं नहीं लगाते हैं। तो अगली बार से जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें दोस्तों, जिससे हर किसी को इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।